आपको एक छोटी सी अपडेट दे दे कि हमने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए थे, लेकिन नहीं भाई, सबको कहने से सबको पता चल जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, अभी हम थक गए हैं इसलिए वो आपके लिए अपलोड हम नहीं कर पाएंगे, तो कल या परसों जब भी एक बार हम इंजॉय कर लें इन छुट्टियों को, और जब भी हम फ्री होंगे तब आपके लिए वो ब्लॉग मैं लेके आऊँगी, क्योंकि आपको पता है एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो आज हम उनको वीडियो बनाते हैं उसी में टाइम लग जाता है, फिर घूमने में फिरने में थोड़ा पैदल चलना पड़े, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों की चढ़ाई तो कुछ कुछ करनी पड़ती है, इसलिए तो व्लॉग है वो आपके गांव जाने के बाद आएंगे, तब तक आप वेट करें, इंतज़ार करें और दुआ करें कि हमारा सफ़र अच्छे से बीते, हम आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा कैप्चर करके लाएँ। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तब सब्सक्राइब करें, यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हेलो, ये हमारा बेटा है। नमस्ते गाइस, आज मैं क्यूट लग रहा हूँ? बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, एक बार अन्नू बन के दिखाओ थोड़ा सा। अन्नू? अरे मालूम आपको क्या हुआ आज? आपको नहीं पता? नहीं पता, हम बताते हैं। देखो बताओ आज हुआ क्या। हुआ, हम गए थे घूमने, ठीक, हमारे साथ गए मिश्रा जी, मिश्रा जी थे, उनने बांध रखा सर पे कपल, ठीक, गाड़ी चला रहे 100 की स्पीड पे, पहाड़ी रास्ता, बहुत 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 स्पीड से चला रहे, जो उनके साथ बैठे हुए थे हम पापा, पापा रहे रेस के शौकीन, पापा उनको बोल रहे दबा खींचो गाड़ी, खींचे जा रहे, पीछे हमारे रहे लालू, ठीक, वो एकदम फट्टू आदमी ऐसा की जैसे मान लो उनका जिंदगी में कुछ होना नहीं, हमें लगता चोरी वोरी करूंगा, हम जानू का करूं, ठीक, बहुत स्पीड तो दें, ये गीले हो रखे नाले में, रो देस, रो ही देस, मम्मी, बुआ, भैया, सब रो देस, सब एकदम रो देस, मूड खराब हो गया। हमें तो लग रहा है आपका मूड तो अच्छा लग रहा है। अरे हम तो हंसमुख आदमी है, आप तो जानते हैं, बहुत ही हंसमुख है, हंसना और हंसाना इसकी फितरत है। हाँ, और कुछ कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? आप जानते हैं क्या बता दे वो? नहीं बताना, वो तो नहीं बताना, बता दे, नहीं बताना, अरे नहीं बताना, अरे नहीं नहीं, अरे कंटेंट बन जाए, टॉप वाला, नहीं कंटेंट बन जाए, घर वालों को पता चल जाए, कंटेंट बन जाएगा कंटाप वाला, और कोई खा लेगा कंटाप, तीन थो एक साथ, अरे बता दे, नहीं नहीं। अच्छा जे, आप जे बताओ कि आपको आईफोन कैसा लगता है? आईफोन हमको अच्छा नहीं लगता है। वन प्लस, सैमसंग? बिल्कुल पसंद नहीं हमको। सैमसंग M12 32? बिल्कुल, सैमसंग से तो हमारा कोई मस्त कंटेंट है, सोचो ये मस्त कंटेंट, लाइटिंग अच्छी है, नहीं लेट हो गई पूरी, क्यों आपको नहीं पता? नहीं पता, हम बताते, बताओ, हम सवेरे उठते 6:35, ठीक, हमें पता 6:45 पे उनको गाड़ी पहुंचानी होती, ठीक, ये मोहतरमा निकलती 6:46 पे यहाँ से, ओहो, गाड़ी आती 6:45 एक्यूरेट, ठीक, अब हम पता है लेट हो गए, सड़क पे भाग के जाना पड़ेगा, स्कूटी को भगाते 60 की स्पीड से, ओहो, सही बताएं, हम तो बैठते आगे, उनको पता नहीं, 60 की स्पीड में सुबह इतनी ठंडी में छाती में बर्फ जम जाती है, ठीक, फिर भी हम भगाते हैं स्कूटी की, इनको पकड़ जाए वरना हमें और लंबा लेके जाएंगे, आज पहुंचे 6:46 पे ये नीचे, इनको लेके गए 2 मिनट में 6:48 पे, वहां जाके अब खड़ी हो गई है, कि वहां बस आए, हमारी गाड़ी आएगी, आएगी कैसे आएगी, गाड़ी 6:45 पे निकल गई, ठीक, नहीं नहीं करते 7 बजे तक खड़ी रही, ओहो बेमतलब में, ठीक, फिर हमने कहा अब देखो हमारा उर्मा हो गई खत्म, अब जाके हम चाहते सोना, ठीक, शांति से इनको पकड़ाई बस, हम आ गए शांति से, हो गई लेट, पहुंची अटेंडेंस नहीं लगी इनकी, अल्ले, फिर क्या, वहां से फोन कर रही है हमें, गलत भेज दिया, अटेंडेंस नहीं लगी, हमने कहा इनको 6:45 का कह रहे थे, 6:46 उठते नहीं पहले, रात को ढंग से सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, पूरा 1 मिनट का खेल है मम्मी, अगर ये टाइम से उठे, ठीक, 6:40 पे यहाँ से निकले, 6:45 पे हम पहुंचाएंगे, 20 की स्पीड से जाएंगे एकदम शांति से,
ठंड का आनंद लेते, वरना इनको स्कूटी चलानी आती नहीं, चला पाएंगे नहीं, कहीं गिरा देंगे, इसलिए हम अकेले देते। सिखाओ इनको स्कूटी। आ गए लोग क्या, वैसे हम ठंड सह लेंगे, मौत नहीं सह पाएंगे। सही है, सही बात है कि नहीं? सही बात है, इसलिए लेट हो गई। वैसे अच्छे लग रहे हो आप, अनु बन गए। हमारा एक छोटा भाई है, ठीक, कुछ बताओ उसके बारे में। अरे आपको नहीं पता? नहीं पता। अब छोटा भाई है, पढ़ाई में एकदम गुड़ गोबर के बराबर, हम ठहरे थोड़े विद्वान आदमी, हम सोचते हैं कभी कभी, सोचते हैं उनके बारे में बहुत, सोचते हैं, सोचने पे हमें लगता है कि अगर मान लो यार ये आदमी नहीं पढ़ा, इसका नहीं होगा तो चोर चकारी करेगा, चोरी चकारी करेगा तो पुलिस में नाम होगा इसका, पक्का होगा, बदनामी होगी इसकी, हमारे नाम तो उसका है नहीं। तो फिर हम सोचते हैं, बहुत बहुत सोचते हैं, सोचने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारा कुछ होना हो पहले इसका करवाएं, वरना ये हमारा नाम खराब कर देगा, पक्का कर देगा। उस चक्कर में हम इसको रोज समझाते हैं, दसवीं में इनके अभी समझ में नहीं आ रहा, दसवीं आ रखी है इनकी, कहते रात को ठीक 2 बजे तक पढ़ने मन आता है इनको, अगर जुगनू जो होते हैं ना उनकी आवाज कहते हैं हमें पसंद आती है, कहते हैं जब वो बंद हो जाती है हमें नींद आ जाती है। अब लोगों का जो कंपटीशन है वो इंसानों से है, जुगनू से, इनका घोड़ों से है, लंबा सोते हैं, 8-8 घंटा सोते हैं। ओहो, आप कितना सोते हैं? कट कीजिए, हटाइए। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्यों खड़े हैं इस तरह से? मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, सब घटनाएं काल्पनिक है, कृपया कोई मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश ना करे। धन्यवाद। कौन मारेगा आपको? धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे माफ कर। ये अन्नू की एक्टिंग तो नहीं है? अन्नु गया बाहर में। तो कौन है? हमें बात नहीं करनी है आपसे, आपने हमारा करियर उजाड़ दिया पूरा। हटिए, आप हटाइए, सब माफी मांगते हैं। धन्यवाद।